मैं मुबारकबाद दूंगा भिवंडी के पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढोले जी को, उन्होंने एक इशारे पर एक ऐसा हुक्का पार्लर बंद करा दिया जो आज तक चालू नहीं हुआ। भिवंडी शहर के दीवान शाह दरगाह क्षेत्र में एक तरफ अलहम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, बाजू में रोड है, उसके बाजू में हुक्का पार्लर। अभी सोचने जैसी बात है, ये हुक्का पार्लर वाले जो लोग हैं, कम से कम इन्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि बाजू में एक जूनियर कॉलेज भी है। मनोरंजन के नाम पर भिवंडी शहर से बाहर ढाबे भी हैं, खाना भी मिलेगा, थोड़ा झूला झूलने को भी मिल जाएगा, और अगर और पैसा है तो फिर हुक्का भी मिल जाएगा। अब अगर और पैसा है तो भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के हद में चले जाएंगे तो हुक्का पार्लर भी है। असल बात हम कहने वाले यही थे कि भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के हद में जो हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं, तो हुक्का पार्लर के अंदर डीजे पर डांस, केक काटने के नाम पर डांस, और हुक्का पार्लर की आड़ में और क्या क्या, आप जब वीडियो देखेंगे आगे तो समझ जाएंगे। हमारा विरोध यही है, और अगर पुलिस ने मदद नहीं किया तो ये काम रुकने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस की पूरी नज़र है इस तरह के हुक्का पार्लरों पर। आम सी बात है, ढाबों पर ना तो डांस होता है, ना किन्नर समाज के लोग जाके डांस करते हैं, और ना ही इस तरह की वहाँ कोई हरकत होती है, मगर हुक्का पार्लर के नाम पर जो कुछ चलाया जा रहा है, यहाँ किन्नर डांस भी, कॉलेज की लड़कियाँ भी, कॉलेज के लड़के भी, बर्थडे के नाम पर, हुक्के के नाम पर यहाँ जो कुछ हो रहा है, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे यहाँ देखने को मिलेंगे। अब अगर देखना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी हुक्का पार्लर में घुसना पड़ेगा, मगर सावधान रहें, अगर आपने वहाँ कोई हरकत की तो ज़बरदस्त पिटाई भी हो सकती है। जैसा कि पिछले 2 महीनों में तालुका पुलिस क्षेत्र की हद में चलने वाले जो हुक्का पार्लर हैं, कुछ लोगों की पिटाई हो चुकी है और एक का तो फ्रैक्चर भी हो गया। अब इसे धंधा कहा जाए, हुक्का पार्लर कहा जाए, या हुक्का पार्लर के कुछ लोगों की गुंडागर्दी कहा जाए, या भाईगिरी कहा जाए, ये फैसला भी आपको करना है। बहरहाल भिवंडी शहर में एक चलन है, कहाँ बैठा था बेटा, हुक्का पार्लर में गया था। मगर हुक्का पार्लर जो है उसकी कहानी अगर आप सही मानों में जान जाएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो आप अपने शहर से, अपने समाज से गद्दारी कर रहे हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं तालुका पुलिस स्टेशन की हद हो, भिवंडी शहर के अंदर अगर इस तरह का कोई हुक्का पार्लर चल रहा हो, मैं मुबारकबाद दूंगा भिवंडी के पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढोले जी को, उन्होंने एक इशारे पर एक ऐसा हुक्का पार्लर बंद करा दिया जो आज तक चालू नहीं हुआ। भिवंडी शहर के दीवान शाह दरगाह क्षेत्र में एक तरफ अलहम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, बाजू में रोड है, उसके बाजू में हुक्का पार्लर। अभी सोचने जैसी बात है, ये हुक्का पार्लर वाले जो लोग हैं, कम से कम इन्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि बाजू में एक जूनियर कॉलेज भी है। याद रहे कि हमारी ये जो पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है, इसमें हुक्का पार्लर के नाम पर जो लोग हुक्का पार्लर चला रहे हैं उसमें 99% मुसलमान हैं। तो आखिर मुसलमानों की किस किताब में ये सब लिखा हुआ है कि एक कम्युनिटी को बर्बाद कर दो, युवा को बर्बाद कर दो। युवा का मतलब उसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू समाज के लड़के कम हैं, मगर हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं भिवंडी करों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उठिए अपने शहर को बचाने के लिए, वरना याद रखिए आपको इस शहर में जो भुगतान भुगतना पड़ेगा, और वैसे भी भुगत रहे हैं क्योंकि हुक्का पार्लर की आड़ में ये लड़के जो जिन्हें हम यूथ कहते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, मोबाइल छिनौती, मोटरसाइकिल चोरी, ऑटो रिक्शा चोरी, इस शहर में ट्रक चोरी हो जा रहा है, अभी सोच लीजिए, एटीएम से पैसे निकालने की चोरी, इस तरह की इतनी ज़्यादा हरकतें हैं, और ये सब नशे की आड़ में हैं।
अब भिवंडी शहर की बात अगर करें तो नशा मुक्त अभियान चलाने का प्रयास भी होता है और भिवंडी पुलिस का इसमें बड़ा योगदान होता है। और बिना पुलिस के नशे का जो कारोबार है, नशे का कारोबार करने वाले जो लोग हैं या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। मैं भिवंडी शहर के जिन्हें इस शहर से प्यार है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शहर की हालत यूथ के ताल्लुक से बड़ी तेज़ी से गिर रही है। यूथ को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना याद रखिए देर हो जाएगी और फिर अंधेर हो जाएगी। मैं सैफन पठान के साथ खान। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज भिवंडी शहर के चाविंद्रा रोड पर पीजी मार्ट के नाम से एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर भिवंडी शहर की कई जानी मानी हस्तियां भी यहां पहुंची। आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप।